हेलो नमस्कार। डीएसएनए डायरेक्टर क्रॉन इमिग्रेशन। जैसे आप सबको पता है कि क्रॉन इमिग्रेशन की टीम देशों विदेशों में जाती है, लगातार एफर्ट्स करती है और मेहनत करती है, इमिग्रेशन पॉलिसीज को लर्न करने की कोशिश करती है, ताकि हम अपने इस चैनल के माध्यम से वो फ्रूटफुल जो इन्फॉर्मेशन है आप तक लेके आ सके। ठीक उसी तरह से पुर्तगाल क्रॉन की टीम लगातार, खुद मैं भी पुर्तगाल के अंदर में आया हूँ और हमने खुद पिछले 2-3 महीने से लगातार कोशिश की है कि हम इमिग्रेशन अथॉरिटीज के साथ में लाइजनिंग करें और इनसे बेहतरीन जो इन्फॉर्मेशन एकत्रित करके आप तक लेके आए। ठीक उसी तरह से आज का जो हमारा विषय रहेगा, जिसके बीच में हम चर्चा करेंगे, उन लोगों के लिए जो पुर्तगाल का रेजिडेंस टाइटल तो लेना चाहते हैं लेकिन दे अनेबल टू रेगुलर स्टे और कंटिन्यू स्टे इन पुर्तगाल सिंस दे हैव ऑलरेडी बिजनेस इन अनदर कंट्री, उनके दूसरी कंट्रीज के बिजनेस होने के कारण या अदर फैमिली सर्कमस्टेंसेस होने के कारण वो रेगुलर स्टे पुर्तगाल के अंदर में नहीं रख सकते। सो उन सभी के लिए बेहतरीन ऑप्शन है या आर्टिकल्स हैं पुर्तगाल के अंदर में, लॉ है पुर्तगाल के अंदर में, कि वो पुर्तगाल के अंदर में ना रह के भी रेजिडेंस टाइटल को प्राप्त कर सकते हैं। दैट कंसिस्ट आर्टिकल 89.1 एंड 89.2। अगर आप इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर में जाके ये आर्टिकल को थॉरली स्टडी करेंगे तो यू विल गेट द बेहतर और फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेम। उसके लिए सबसे पहले हमारी टीम डीपली आपको हेल्प करेगी हर सब्जेक्ट के ऊपर में कि आप आर्टिकल 89.1 और 89.2 को कैसे फॉलोअप करें। लेकिन सबसे पहले अगर आप पुर्तगाल के अंदर में किसी भी तरह का बिजनेस फॉर्मेशन करना चाहते हो, कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो या आना चाहते हो या इस आर्टिकल को कंसिडर करना चाहते हो या लीड करना चाहते हो, तो यू हैव टू बी इन पुर्तगाल इन ऑर्डर टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे, आने के बाद आपको यहाँ पे कंपनी फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। कंपनी दो तरह की होती है, दैट इज ऑफशोर कंपनी और ऑनशोर कंपनी। कीप इट इन माइंड, अगर आप ऑफशोर कंपनी ओपन करते हैं पुर्तगाल के अंदर में, दैट्स नॉट लीडिंग टू रेजिडेंस कार्ड, क्योंकि ऑफशोर क्या है, ऑनलाइन कंपनी हम कहेंगे उसको, क्योंकि उसका फिजिकल प्रेजेंस कंट्री के अंदर में नहीं होगा ऑफशोर कंपनी का, और उसकी टैक्स की जो लाइबिलिटीज होती है वो पुर्तगाल के अंदर में नहीं होती। इसलिए यू हैव टू ओपन और एक्टिव योर ऑनशोर कंपनी। आपको यहाँ पे ऑनशोर कंपनी ओपन करनी पड़ेगी, जिसके बीच में आप अपनी कंपनी का यहाँ बैंक अकाउंट ओपन करके उसके बैंकिंग ऑपरेशन करने के बाद में जो टैक्स की है कंट्रीब्यूशन आप गवर्नमेंट को दे सके या अथॉरिटीज को दे सके, जिसके कारण आपको रेजिडेंस टाइटल जो है मिलेगा। सबसे पहले वी डू असिस्टेंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ योर कंपनी। जब भी आप यहाँ पे आते हो तो वी हैव ए गुड टीम, हैव वेरी गुड एक्सपेक्टेशन इन द क्रिएशन ऑफ द कंपनी इन पुर्तगाल। So, किस तरह की कंपनी भी, 6 टाइप ऑफ कंपनी अवेलेबल इन पुर्तगाल, बट द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर नेम इज एलडीए, यूनिपल एलडीए और एलडीए। यू कैन क्रिएट कंपनी इन ए वन डे, एक दिन के अंदर में ही कंपनी क्रिएशन हो जाती है। उसमें हमारी कंपनी, हमारी टीम आपकी कंटिन्यू हेल्प करती है, सिंस वी हैव ओन ऑफिस हियर, हमारा खुद का ऑफिस है। उसके लिए आपको वर्चुअल ऑफिस चाहिए या को वर्किंग स्पेस चाहिए तो वी विल ऑर्गेनाइज फॉर यू, वी विल प्रिपेयर योर एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल वी विल प्रिपेयर, एंड देन फर्दर वी हैव ए ट्रांसलेटर एंड नोटरी सर्विसेज एज वेल। सो वो सब लेने के बाद में वी विल ओपन योर कंपनी। हम सबसे पहले जो अपनी कंपनी क्रिएशन करवाते हैं, विद इन वन वर्किंग डे यू विल बी ओपन योर कंपनी। अगर आप रेजिडेंस टाइटल को जो आर्टिकल 89.1 और 89.2 की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर में लेना चाहते हैं, देन फर्दर व्हाट आवर टीम विल बी असेस्ड इन पुर्तगाल, आपका वी विल ओपन योर कंपनी बैंक अकाउंट। इससे पहले कुछ और फॉर्मेलिटीज होती हैं जो बहुत ही बेसिक फॉर्मेलिटीज हैं, एज सच यू हैव ए निफ नंबर, यू हैव एड्रेस प्रूफ, दैट वी विल डू ऑल, हमारी टीम है जो वो करके देते हैं। उसके बाद में वी विल ओपन योर बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी, बिजनेस अकाउंट जिसको बोलते हैं, वो बिजनेस अकाउंट इन वन वर्किंग डे यू विल बी ओपन हियर। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ यू हैव ए कंपनी, इफ यू हैव ए रेजिडेंस प्रूफ मींस अकोमोडेशन प्रूफ, यू कैन ओपन ए बैंक अकाउंट विद एनी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स। किसी भी गवर्नमेंट बैंक में या प्राइवेट बैंक में आप अपना कंपनी का जो है बिजनेस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दैट वी डू असिस्टेंस, वी डू हेल्प फॉर दिस, हमारी टीम जो आपका अकाउंट ओपन करने में हेल्प करती है बिजनेस अकाउंट में। उसके बाद बिजनेस अकाउंट ओपन होने के बाद में वी हैव ए वेरी गुड एंड वेरी एक्सपर्ट इन होल्डिंग अकाउंटिंग लाइसेंस। एज सच यू नीड टू बी एक्टिव योर कंपनी विद इन 15 डेज। आपको अपनी कंपनी को एक्टिव करना पड़ता है 15 दिन के बीच में टैक्स अथॉरिटीज के साथ में। दैट वी डू असिस्टेंस, हम आपके लिए अकाउंटेंट अरेंज करके देते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स अरेंज करके देते हैं हमारी टीम आपको। तो वो जो हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर है या अकाउंटेंट है हमारा, ही विल बी एक्टिव योर कंपनी इन ऑल रिलेवेंट डिपार्टमेंट, सिंस यू नीड ए VAT नंबर, यू नीड ए सोशल सिक्योरिटी नंबर, योर कंपनी शुड बी एक्टिव इन द टैक्स अथॉरिटीज।
that we will do. Since once you create a company, that department has been obligation on that कि आपको 15 दिन के बीच बीच में अपनी कंपनी को टैक्स अथॉरिटीज को इन्फॉर्मेशन देना है या वहां पे एक्टिव करना है विदिन 15 डेज. अगर आप लैप्स करते हो, उससे लेट हो जाते हो, तो आपको फाइन डालते हैं, 150 यूरो आपको फाइन आ सकता है. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि 15 दिन के बीच बीच में हमें अकाउंटेंट हायर करके टैक्स अथॉरिटीज को इन्फॉर्मेशन देनी है और अपनी कंपनी को एक्टिव करना है, दैट वी डू असिस्टेंस. हमारी लगातार और डेडिकेशन बहुत अच्छी जो टीम है, चैनल है हमारा, जो कि आपको इस मैटर के ऊपर में हेल्प करता है, या अकाउंटेंट हायर करने में, या फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करने में, या फिर आपकी कंपनी की एक्टिवेशन करवाने में. इमीडिएटली एक्टिवेशन ऑफ द कंपनी, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई योर पर्सनल सोशल सिक्योरिटी नंबर. इन ऑर्डर टू डू वर्क इन पोर्तगाल यू शुड हैव ए सोशल सिक्योरिटी नंबर. सिंस अगर आप बिजनेस कर रहे हो, वेदर आप जॉब कर रहे हो, यू इट्स अ वेरी ऑब्लिगेटरी डॉक्यूमेंट एंड ऑब्लिगेटरी नंबर इज कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी नंबर. जैसे आपकी कंपनी एक्टिव हो जाती है, तो इमीडिएटली आप सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जाकर के अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हमारी टीम जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिपेयर करना या डॉक्यूमेंटेशन करना या फर्दर वहां पे अपॉइंटमेंट लेना, उसके लिए सारी की सारी जो हेल्प करती है हमारी टीम. यहां तक कि हमारे जो ट्रांसलेटर हैं या हमारे टीम मेंबर्स हैं, आपके साथ में जाकर के वहां काउंटर के ऊपर में सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर में आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है प्रोसीड करवाती है, इफ यू होल्डिंग कंपनी इन पुर्तगाल. दिस ऑल प्रोसीजर इट्स नॉट टेकिंग मच टाइम. अब बताने के लिए जैसे आपको काफी मुश्किल सा लग रहा होगा, ऐसा नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस है हर चीज के लिए. कंपनी फॉर्मेशन करना इट्स रियली इजी, आफ्टर बैंक अकाउंट ओपन करना इट्स रियली इजी, एंड देन फर्दर तभी इजी है अगर एक्सपर्ट टीम आपके साथ में है. इसके अलावा अकाउंटिंग, जो हमारा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, पुर्तगाल लिस्बा के अंदर में, वो टैक्स अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन देखने के बाद में एक्टिवेशन कर देता है कंपनी की, देन वी विल अप्लाई योर सोशल सिक्योरिटी नंबर. और ये सारा प्रोसेस आप 4 या 5 दिन के अंदर में कंप्लाई कर सकते हो. अगर आप फर्स्ट विजिट पुर्तगाल के अंदर में आ रहे हो, 3 या 4 दिन के अंदर में, 5 दिन के अंदर में ये सारा जो ग्राउंड वर्क है कंप्लीट होके एक बुक जो है, एक जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर में फर्दर आपने रन करना है, दौड़ना है, और रेजिडेंस कार्ड को ऑब्टेन करना है, और पुर्तगाल का पीसफुल कंट्री का जो है टाइटल या फिर एक सोशल सिक्योरिटीज के एडवांटेज लेने हैं, यू विल बी गेटिंग इन फ्यूचर. सो ये एक प्लेटफॉर्म आपका जनरेट हो जाता है विद इन 4 and 5 working days. देन फर्दर यू आर फ्री. अगर आप वापिस जाना चाहते हो अपने बिजनेस के माध्यम से या बिजनेस के काम के लिए, यू कैन गो बैक इमीडिएटली. इफ यू वॉन्ट टू स्टे एंड यू वॉन्ट टू प्लान यूर बिजनेस, यू वॉन्ट टू नेगोशिएट विद द अदर योर बिजनेस पार्टनर्स इन पुर्तगाल, तो उसके लिए हमारी टीम के पास में एग्जिस्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहती हैं, या हम आपकी मीटिंग जो जैसे कि यहाँ की पोर्तुगीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, या अदर बिजनेस रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं, या टैक्सेशन अथॉरिटीज हैं, या सोशल सिक्योरिटी अथॉरिटीज हैं, या इमिग्रेशन अथॉरिटीज हैं, या प्राइवेट और पब्लिक एंड अदर काइंड ऑफ अथॉरिटीज हैं जो कि लाइसेंसिंग बिजनेस परमिट्स वगैरह इशू करते हैं, उन लोगों के साथ में वी डू ऑर्गेनाइज मीटिंग फॉर यू एज पर योर प्रोजेक्ट एंड एज पर योर प्लान. लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट कि जो आपकी कंपनी है, इन ऑर्डर टू रिसीव रेजिडेंस टाइटल अंडर आर्टिकल 81 और 82, तो जो हम कंपनी क्रिएशन की है, जब वो सारा जो हमने वर्क किया है विद इन 5 days or 4 days हमारी टीम ने, तो आपको क्या है, अपनी कंपनी के ऑपरेशंस जो है, अपनी कंपनी को जो एक्टिव है विद इन 3 months, 3 महीने से लेके 4 महीने कंटिन्यू वर्क करना है, कंपनी के इनवॉइसेस जनरेट करने हैं, या कंपनी के अंदर में वर्क हो रहा है, फिजिकल सेल हो रही है, परचेज हो रही है. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि उस सेल के लिए आपको यहाँ पे बैठना है. एज एन एग्जाम्पल मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, वन ऑफ अवर क्लाइंट राइट नाउ, ही हैविंग अ कंपनी इन पुर्तगाल बट ही इज रिजाइडिंग इन फ्रांस. वो यहां से बाहर दूसरी कंट्री में स्टडी कर रहा है, बट ही सेलिंग ऑनलाइन गेम्स. वो ऑनलाइन गेम परचेज करता और ऑनलाइन गेम सेल करता, और जो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस है उसकी सेल की और परचेज की, वो पुर्तगाल जो कंपनी का बैंक अकाउंट है उसके अंदर में दिखा रहा है. दैट्स मीन वो यहां पे प्रेजेंस भी नहीं है, फिजिकल भी नहीं है, लेकिन उसकी जो कंपनी की एक्टिविटी है कंटिन्यू चल रही है. उसके बिहाफ पे जो उसका अकाउंटेंट है, ही हैव ए पावर, वो सारे रेलेवेंट जो इनवॉइसेस हैं, जो बिल है, जो बिल जनरेट करता है, जब बैट बनता है उसका, वो टैक्स अथॉरिटीज को कंटिन्यूसली पे कर रहा है, भेज रहा है. उसका एडवांटेज उसको मिल रहा है, आफ्टर 3 months ही कैन क्लेम फॉर, ही कैन रिक्वेस्ट फॉर रेजिडेंस टाइटल इन पुर्तगाल इस बेसिस पे. ठीक इसी तरह से बहुत से ऐसे और बिजनेसेस हैं जिनके बीच में आपको फिजिकल रहने की प्रेजेंस नहीं है, लेकिन ऑनलाइन आप बैठ के बिजनेस कर सकते हैं. जैसे कि आप ईबे के साथ या अमेजोन के साथ या फ्लिपकार्ट के साथ में अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, तो यू हैव ए जस्ट कंपनी इन पुर्तगाल एंड यू हैव बैंक अकाउंट इन पुर्तगाल. वर्ल्ड में आप कहीं भी बैठे हो, आपकी कंपनी जो पुर्तगाल की ऑपरेट हो रही है, वो आपको रेजिडेंट टाइटल जो है दिलवा सकती है आर्टिकल 89.2 और 89.1 के अंदर में.
जरूरी नहीं है कि आप पुर्तगाल के अंदर में रहें उस रेजिडेंस टाइटल को लेने के लिए। मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूं, मैं एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूं। इनिशियल स्टेज पे देर इज नो कंटिन्यू और एनी स्पेशल एप्लीकेशन के यू टू बी इन पुर्तगाल एज ए बिजनेसमैन। अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके अपने यहां की रेजिडेंस टाइटल को कंटिन्यू ले सकते हो और कर सकते हो, आर्टिकल जो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं बार बार। सो ऐसे ही मेरे पास बहुत सी एग्जांपल है। वन ऑफ अवर अनदर क्लाइंट ही इज ऑलरेडी रिजाइडिंग इन ऑस्ट्रिया, उसका ऑनलाइन बिजनेस है ईबे पे और फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे, वो अपने प्रोडक्ट सेल करता है, ग्रोसरी प्रोडक्ट होते हैं वो सेल करता है, लेकिन ही इज ऑब्टेनिंग द रेजिडेंस टाइटल इन पुर्तगाल, ही इज वन ऑफ अवर क्लाइंट। ऐसी बहुत सारी हमने कंपनीज की क्रिएशंस की है जो ऑलरेडी क्रिएट करने के बाद में दे आर डूइंग बिजनेस, और इवन वी आर द वन ऑफ द एग्जांपल फ्रंट ऑफ यू, वी आर आल्सो ऑपरेटिंग अवर ऑफिस हियर, बट हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर रेजिडेंस टाइटल, इवन दे आर नॉट कंटिन्यू स्टेइंग इन पुर्तगाल। सो इसीलिए जब आप ये सारा ग्राउंड वर्क अपना प्रिपेयर कर लेते हो 3 से 6 मंथ के बाद में, यू कैन रिक्वेस्ट इन टू वेज, दो तरीके से आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हो रेजिडेंस टाइटल की। एक तरीका है कि आप अपनी होम कंट्री से, मींस जहां पे भी आप रह रहे हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफ्रीका, नाइजीरिया और मे बी अनदर यूरोपियन कंट्रीज और अदर अफ्रीकन एंड कॉन्टिनेंटल व्हाटएवर कंट्री यू आर रिजाइडिंग, सो यू कैन रिक्वेस्ट फ्रॉम देयर अंडर आर्टिकल 1, उसको हम कहेंगे 98.1 में आने के बाद में, सिंस यू होल्डिंग रेजिडेंस वीजा, आप अपना वहां पे रिप्रेजेंट करते हो कि आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी कंपनीज हैं, ये बैंक अकाउंट्स हैं, ये 3 महीने की ट्रांजैक्शंस है, ये जो आपने सोशल पे किए हुए 3 मंथ के, उसके बेसिस पे यू कैन क्लेम फॉर रेजिडेंस टाइटल इन योर होम कंट्री। इवन अनदर हैंड यू हैव ऑप्शन, आप सेम अगेन बिजनेस वीजा और टूरिस्ट वीजा पे पुर्तगाल के अंदर में आ जाते हैं और आपका मन बनता है कि मैं अभी रेजिडेंस कार्ड लेके जाऊंगा, ऑलरेडी यू हैव ए ग्राउंड प्लेटफॉर्म आपका पहले से तैयार है, सिर्फ आपको अब क्या है, आपकी गाड़ी रेडी है, आपका पेट्रोल रेडी है, आपको सेल्फ मार्केट सिर्फ चलना है, तो यू जस्ट हैव एन अपॉइंटमेंट विद द सेफ जो कि हमारी टीम असिस्टेंस करेगी आपको हाउ टू ऑब्टेन अपॉइंटमेंट फ्रॉम सेफ एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आपको अपॉइंटमेंट मिल सके वो हम अपॉइंटमेंट अरेंज करती है हमारी टीम आपके लिए। जैसे अपॉइंटमेंट मिलती है तो आप अपनी एप्लीकेशन ड्यूरिंग इन पुर्तगाल आर्टिकल 89.2 के अंदर में रेजिडेंस टाइटल की डाल सकते हो। तो यू हैव टू ऑप्शंस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, आफ्टर ओपनिंग ए कंपनी। सो देयर इज अनदर ऑप्शंस इज आल्सो, मैं तो अभी कंपनी क्रिएशंस की बात कर रहा हूं, इसके अलावा भी अदर वेरिएंट्स हैं इसी कैटेगरी के अंदर में 89.1 और 89.2 के, जो कि हमारे अदर एक्सपर्ट्स हैं, नेक्स्ट एपिसोड पे आपके साथ में शेयर करेंगे ये इंफॉर्मेशन। दैट्स ऑल फ्रीलांसर, क्योंकि फ्रीलांसर इज आल्सो वेरी डीप एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, दैट विल बी यू सीन इन अवर नेक्स्ट पार्ट, जो हमारा इस वीडियो के अगला पार्ट होगा उसके अंदर में आप देख पाएंगे। सो मैंने आपको ब्रीफली और शॉर्टली और जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप इस सब्जेक्ट के ऊपर में और ज्यादा डीप और डिटेल्ड जानकारियां चाहते हैं तो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर में हमारी पुर्तगाल ऑफिस के नंबर चल रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के नंबर चल रहे हैं, दे आर वेटिंग योर कॉल, आपकी कॉल का वो इंतजार कर रहे हैं और आपको जो बेहतरीन और अच्छी और जो आपके रहते हुए क्वेश्चन है जो मैं इस मीडियम के माध्यम से आपके साथ में शेयर नहीं कर पा रहा हूं या आपको नहीं बता पा रहा हूं, सो और आपके जहन में जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो आप हमारी टीम को कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस का आंसर लेने के बाद में फर्दर अपने डिसीजन को फाइनलाइज कर सकते हैं। सो ऐसे ही प्रोग्राम लेके हमारी टीम आपके तक हाजिर होती रहेगी नेक्स्ट एपिसोड्स के साथ में। सो तब तक के लिए मुझे यानी कि DS सैनी को दीजिए इजाजत, थैंक यू, धन्यवाद।